हेलो फ्रेंड्स, बेबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी आपसे इस वीडियो में गर्मियों में लगने वाले कुछ ऐसे प्लांट जिनको आप 1 लीटर की बोतल में, 2 लीटर की बोतल में लगा सकते हैं और उनसे जो है गर्मियों में फूल ले सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे प्लांट मैं भी वाटर प्लांटर में हर साल लगाती हूँ और गर्मियों में उनसे बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग लेती हूँ, तो वही आपसे इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी। तो आइए देखते हैं कौन से प्लांट आप लगा सकते हैं। कुछ परमानेंट होंगे, कुछ सीजनल होंगे, तो सभी के नेम, प्राइस और कौन से परमानेंट हैं, कौन से सीजनल हैं, ये भी बताऊंगी। तो सबसे पहला प्लांट है, देखिए, पर्पल हर्ट। पर्पल हर्ट एक कलरफुल पत्तों के साथ एक फूलों वाला प्लांट भी है और ये परमानेंट होता है। अगर आपके पास नहीं है, इस समय कटिंग से इसको ग्रो कर सकते हैं, कहीं से कटिंग मिले, नहीं तो नर्सरी से भी ले सकते हैं। ये बॉटल प्लांटर में एक बार आप लगा लेंगे तो कई सालों तक चलता रहेगा। देखिए, मेरा जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये 2 लीटर की बोतल में लगा हुआ है और देखिए आज हमारे यहाँ बारिश हो रही है तो बारिश में भी जो प्लांट है बहुत ही इन्जॉय कर रहे हैं। दूसरा प्लांट देखिए, ये रियो का है, तो रियो भी आप कोई भी टाइप लगा लीजिए। जैसे देखिए, मैंने बोट लिली लगाया हुआ है जो थोड़ी सी लंबी हाइट वाला होता है। आप मीडियम हाइट वाला जो वेरीगेटेड होता है उनमें से आप लगा सकते हैं। कटिंग से इन दिनों ये बहुत ईजिली लग जाता है। देखिए, ये भी 2 लीटर की बॉटल में ही लगा हुआ है। तो बोट लिली भी बहुत ही अच्छे से बॉटल प्लांटर में चलता है। कुछ दिनों में ये जैसे अच्छे से सेटल हो जाएगा, फिर इसकी साइड साइड से छोटे छोटे प्लांट निकलेंगे जिससे ये बॉटल पूरी भर जाएगी। बोट लिली भी एक परमानेंट प्लांट होता है। नेक्स्ट प्लांट हमारे पास, ये भी परमानेंट है, इसको जूफरविया मिली बोलते हैं। इसको भी देखिए आप 1 लीटर की, 2 लीटर की, 5 लीटर की बॉटल में लगा सकते हैं। मैंने देखी जब इसकी कटिंग लगाई थी तो ये 1 लीटर की ही बॉटल में लगी हुई और एक 2 लीटर की बॉटल में लगा हुआ है। दो इस तरह के प्लांट जो मैंने अभी 5-5 लीटर के जो प्लांटर होते हैं उनमें मैंने इनको शिफ्ट कर दिया है और 2 वाले ये अभी बॉटल्स में ही लगे हुए हैं। तो ये बहुत ही अच्छे से चलते हैं, परमानेंट प्लांट है, गर्मियों में फूल भी देते हैं। नेक्स्ट प्लांट बिंका, देसी वाला आप लगा सकते हैं। देखिए, मैंने जो प्लांट लगाए हुए हैं, मैं ये 1 लीटर की, 2 लीटर की बॉटल में लगाती हूँ और देसी वाला जो बिंका होता है बहुत ही अच्छे से ये चलता है। इसको आप बारिश में भी रखो तो भी ये ख़राब नहीं होता है और इसको जो है धूप चाहिए होती है 2-4 घंटे की। और जब आप इसके लिए मिट्टी बनाएं, जब हम छोटे गमलों में प्लांट लगाते हैं तो इसके लिए अच्छी मिट्टी, इसमें अच्छी खाद डाल लें आप, तो फिर ये छोटे सी स्पेस में ही आपको बहुत सारे फूल देते हैं। तो अगर बोतल में आप लगाना है प्लांट चाहते हैं बिंका को, तो आप अच्छी इनके लिए मिट्टी बनाइए, इसमें खाद भी हो अच्छे तरीके से डाल के। अगला प्लांट जो लगा सकते हैं आप वाटर प्लांटर में, ये भी अच्छे से चलता है। तो देखिए, ये कोलियस का प्लांट है। तो देखिए, ये 2 लीटर की बोतल में लगे हुए हैं कोलियस के प्लांट, तो अच्छे से चल रहे हैं। इतना ही ध्यान रखना होता है कि इन दिनों जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी तो इनको ज़्यादा धूप में नहीं रखना, अच्छी ब्राइट लाइट, 2 घंटे की सुबह की धूप मिल जाए। मेरा भी प्लांट देखिए ऐसी ही जगह रहता है जहाँ दिन भर इसको अच्छी ब्राइट लाइट और कुछ 1-2 घंटे की जो धूप है वो मिलती है। तो अगर आपने अपने प्लांट को घना बनाना तो इस तरीके से इसको ऊपर से पिंच करिए, फिर 2 ब्रांचेस निकलती हैं, फिर प्लांट जो घना हो जाता है। इस प्लांट है जो बहुत ही अच्छे से बॉटल प्लांटर में चलता है, तो ये है अल्ट्रा नेंथ्रा, कलरफुल लीव्स वाला प्लांट है। इस समय आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, इस समय नहीं लगानी, फिर बरसात जब जुलाई का मंथ होती है, जब बारिशें स्टार्ट होती हैं तब आप इसकी कटिंग लगाएंगे, तो इसकी एक भी कटिंग फेल नहीं होती है, इजिली ये कटिंग से लग जाता है। तो ये भी वाटर प्लांटर में अच्छे से चलता है और देखने में इसके जो पत्ते होते हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं, कलरफुल होते हैं। नर्सरी लेने जाएंगे तो ये 20-25 रुपये का आसानी से मिल जाता है, ये परमानेंट प्लांट है। नेक्स्ट प्लांट भी, इसको भी आप लगा सकते हैं वाटर प्लांटर में, 1 लीटर की, 2 लीटर की, 5 लीटर की। 1-2 बल्ब लगाने तो इस तरीके से 1 लीटर के पेंट का डिब्बा या बॉटल में लगा सकते हैं। तो देखिए, मैं इसमें लगाए थे तो इसमें ज़्यादा बल्ब हो गए थे, तो अभी मैंने इसको 5 लीटर के डिब्बे में शिफ्ट कर दिया और जैसे बारिशें हो रही हैं 1-2 दिन से और आज भी बारिश हो रही है, तो देखिए इसमें फूल निकल रहे हैं। तो जैसे ही गर्मी में बारिश होगी तो रेन लिली में फ्लावरिंग होने लगती है। जैसे ये पिंक कलर का है, इसमें मैंने पिंक और वाइट कलर के बल्ब लगा रखे हैं, तो जैसे जैसे अभी बारिशें होंगी और इनका फ्लावरिंग सीजन आएगा तो इसमें बहुत सारे फूल आएंगे। और ये भी परमानेंट प्लांट होता है। नेक्स्ट प्लांट, ये भी परमानेंट है, ड्रेसिना है। इसमें भी फूल खिलते हैं मगर इसके पत्ते होते हैं वो भी फूलों के बराबर ही होते हैं, कलरफुल लीव्स वाले। इसको भी सेमी शेड एरिया में ही रखना चाहिए और देखिए अच्छे से चलता है, स्लो ग्रो करता है, इसलिए छोटे स्पेस में बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करता है कई सालों तक। नेक्स्ट प्लांट, ये भी बल्ब के थ्रू ग्रो होता है, कलरफुल लीव्स वाला प्लांट है। ये है कलेडियम। कलेडियम के बल्ब आप लगा सकते हैं 1 लीटर की बॉटल में। आपके पास 1 बल्ब है, 2 बल्ब हैं, तो आप इस तरीके से 1 लीटर की बॉटल में, जैसे जैसे आपके पास ज़्यादा बल्ब हो तो 5 लीटर की बॉटल में लगा सकते हैं, अच्छे से ही चलता है। ज़्यादा धूप में नहीं रखना होता, ज़्यादा पानी नहीं देना होता, वेल ड्रेन मिट्टी में ग्रो करना होता, तो ये परमानेंट पूरी गर्मियों में जो है
बना रहता है और इस तरीके से कलरफुल लीव्स इसमें आते हैं। सर्दी के सीज़न में इसके जो लीव्स हैं वो नहीं आते हैं, मगर बल्ब इसके सेव रहते हैं। नेक्स्ट प्लांट देखिए, ये भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट है और इसके पत्ते भी बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इसको पेडीलेंथस बोलते हैं। ये भी छोटी स्पेस में बहुत ही अच्छे से चलता है। इन दिनों आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं, कटिंग नहीं लगानी है। नर्सरी वेयर प्लांट भी 20-30 रुपये में मिल जाता है। इसमें पहला वह देखिए ग्रीन पत्तों वाला था, अभी देखिए ये है वेरीगेटेड पत्तों वाला। इसमें एक और जो डार्क ग्रीन वाले पत्तों वाला भी होता है। तो सभी बहुत ही अच्छे से चलते हैं। ज़्यादा पानी नहीं देना, ज़्यादा धूप में नहीं रखना इनको, तो फिर ये परमानेंटली हमारे गार्डन में बने रहते हैं और अच्छे से हमारे गार्डन को डेकोरेट करते हैं। नेक्स्ट प्लांट देखिए बाल्बिन ज्यू है और ये भी छोटी छोटी स्पेस में बहुत ही अच्छे से चलता है। इस समय आप इसकी कटिंग लगा के प्लांट तैयार कर सकते हैं। एक बार आप इसको अपने गार्डन में ऐड कर लेंगे तो ये प्लांट हमेशा हमारे गार्डन में बना रहता है और सर्दी के सीज़न में भी ये ख़राब नहीं होता है। थोड़ी सी जो है इसकी ग्रोथ रुक जाती है, मगर जैसे ही गर्मी का सीज़न आता है फरवरी एंड मार्च, तो फिर में इसमें न्यू ग्रोथ शुरू हो जाती है और बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है समर सीज़न में। परमानेंट प्लांट है और छोटे छोटे गमलों में लगाने के लिए एक बेस्ट है। हैंगिंग बास्केट में भी अच्छा लगता है ये। नेक्स्ट प्लांट जिसको आप छोटे गमलों में या इस तरीके से बॉटल प्लांट में लगा सकते हैं, तो ये है गोम्फ्रिना। गोम्फ्रिना भी गर्मियों का एक बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट होता है और छोटी स्पेस में बहुत ही अच्छे से चलता है। तो इसको भी आप 1 लीटर की, 2 लीटर की, 5 लीटर की बॉटल में लगा सकते हैं। गमलों की शॉर्टेज हो जाती है जब हम गार्डनिंग करते हैं, बहुत सारे प्लांट लगाना चाहते हैं, तो इस तरीके का आपके साथ भी है। तो बॉटल प्लांट का यूज़ करके अपने गार्डन को आप डेकोरेट कर सकते हैं और बहुत सारे प्लांट लगा सकते हैं। ये है वंडरिंग जू। वंडरिंग जू भी बहुत ही अच्छे से चलता है बॉटल प्लांट में, आप इसको भी लगा सकते हैं। नर्सरी पर ये 50 रुपये तक मिल जाता है और ये परमानेंट प्लांट होता है, कटिंग से भी लग जाता है। प्लांट हमारे पास है ये टर्टल वाइन, ये भी बॉटल प्लांट में देखिए कितनी अच्छे से चलता है। समर सीजन में बहुत ही फास्ट इसकी ग्रोथ होती है। नर्सरी पर 50 रुपये तक मिल जाता है, परमानेंट प्लांट है, छोटी छोटी कटिंग से इजीली लग जाता है। एक बार आप इसकी बॉटल प्लांटर में कटिंग लगा लेंगे तो फिर कई सालों तक इसमें बॉटल में चलती रहती है। गर्मियों में अच्छे से ग्रोथ करती है और सर्दी के सीजन में इसकी ग्रोथ रुक जाती है, मगर जैसे ही गर्मी का सीज़न दोबारा आता है फिर इस तरीके से इसकी न्यू ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो इसको आप बार बार भी नहीं लगाना पड़ता है, एक बार आप लगाइए, कई सालों तक आपकी बॉटल जो है प्लांटर तैयार रहेगा। नेक्स्ट प्लांट देखिए, ये है अजवाइन का प्लांट। ये भी बहुत ही खूबसूरत सा होता है और छोटी स्पेस में बहुत ही अच्छे से चलता है। इसके पत्तों में बहुत ही अच्छी सी खुशबू होती है। बहुत ज़्यादा धूप इसको नहीं चाहिए होती है। सेमी शेड एरिया में 1-2 घंटे की धूप में, 1 लीटर की बॉटल में, 2 लीटर की बॉटल में, इस तरीके से मैंने इसको देखिए 5 लीटर के पेंट के डिब्बे में लगाया हुआ, बहुत ही अच्छे से चलता है। तो इसको आप लगा सकते हैं, परमानेंट प्लांट है ये भी और किचन में भी इसका यूज़ आप कर सकते हैं। प्लांट हमारे पास ये सिंगोनियम का है। ये भी छोटी स्पेस में बॉटल प्लांटर में 1 लीटर की, 2 लीटर की, 5 लीटर की बॉटल में बहुत ही अच्छे से चलता है। सेमी शेड एरिया में अच्छी ब्राइट लाइट में 1-2 घंटे की धूप में अच्छे से चलता है। ज़्यादा धूप में इसको नहीं रखना होता है। तो देखिए इस तरीके से बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। जितनी कम स्पेस इसको मिलेगी उतने अच्छे से ग्रो करेगा। तो इस तरीके से आप इसको भी लगा सकते हैं। मैंने देखिए इसको जो 1-2 लीटर का डिब्बा रहता है जिसका हम किचन में यूज़ करते हैं प्लास्टिक के डिब्बे, उसमें लगाया हुआ अच्छे से ये चल रहा है। नेक्स्ट प्लांट हमारे पास है चेन प्लांट। ये भी इसको भी आप लगा सकते हैं बॉटल प्लांटर में और इसकी साइड साइड से जब इसके जो है न्यू प्लांट निकलेंगे तो देखिए बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। छोटी स्पेस में भी ये अच्छे से चल रहा है। इसको आप 1 लीटर की, 2 लीटर की बॉटल में लगा सकते हैं। जैसे इस तरीके से ये प्लांट जैसे बड़ा होता है फिर इसकी साइड साइड के इसके नए प्लांट निकलते हैं और जैसे बाइट बोतल की साइड से प्लांट लटकेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये भी परमानेंट प्लांट है, 20-30 रुपये का नर्सरी पर मिल जाता है। नेक्स्ट प्लांट है जिसको आप बॉटल प्लांट में लगा सकते हैं। मैंने देखिए इसको 5 लीटर की बॉटल प्लांटर में लगाया हुआ है और अच्छे से चल रहा है। ये परमानेंट प्लांट है, ये सिंगल लीव से भी ग्रो हो जाता है और कटिंग से भी लग जाता है। ये है बॉस्टन फर्न का प्लांट। ये भी जो है छोटी स्पेस में बहुत ही अच्छे से चलता है। इसको भी बहुत बड़े गमलों की ज़रूरत नहीं रहती है। तो अगर आप अपने जो मेन प्लांट है उससे लेके नए प्लांट तैयार करना चाहते हैं तो वाटर प्लांटर में आप इसको लगा सकते हैं डिवाइड करके। तो ये भी अच्छे से लगेगा। इसको आप 1 लीटर की बॉटल में स्टार्टिंग में, जैसे प्लांट बड़ा हो जाए तो फिर 2 लीटर की, 5 लीटर की बॉटल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और अच्छे से चलता है। थोड़ा इसको ज़्यादा धूप में नहीं रखना, सेम शेड एरिया में अच्छे से चलता है। देखिए सीडम का प्लांट भी, इस समय इसका फ्लावरिंग सीजन चल रहा है तो इसको भी आप बॉटल प्लांट में लगा सकते हैं। ये छोटे छोटे कटिंग से इजीली लग जाता है। मैंने भी देखिए इसको 1 लीटर बॉटल में लगाया और बहुत ही अच्छे से इसमें फूल भी आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह के और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं समर सीजन के जो बॉटल प्लांटर में बहुत ही अच्छे से चलते हैं, वो मैं आपसे कभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा
और फिर मिलती हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।